हमने हमारे शो में कहा, सीधा कहा देवबंद का सीधा रिश्ता तालिबान से निकला अफगानिस्तान में, तो हमने अगर वो थम्स अप है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यही देवबंद के लोग थे जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की, माल्टा की जेल में सालों रहे, यही देवबंद के लोगों ने आजाद टू नेशन थ्योरी की रिजेक्ट किया उसको। तालिबान देखिए, देवबंद एक स्कूल ऑफ थॉट है और पाकिस्तान में भी है, वो उनका अलग मामला है, मगर जितने देवबंद के स्कॉलर्स हैं वो भारत की जमीन से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी वफादारी पर शक करने वाला भारत का दुश्मन है कह रहा हूं मैं। क्या मतलब है, आप तारीख जानते देवबंद की? नहीं जानते ना आप। कौन थे ये लोग जो रेशमी रुमाल तहरीक शुरू किया? कौन थे वो लोग जो अंग्रेज जिना के पैगाम को ठुकराया? कौन थे ये लोग? आप जानते ही नहीं है सर कि रेशमी रुमाल से मामला हिजाब तक आ चुका है, रेशमी रुमाल आंदोलन अपनी जगह पर ना ना ना, वो जो रेशमी रुमाल शुरू किए उन्होंने ही दीन को अपनाया था, हिजाब निकाब दाढ़ी सुन्नत कुरान सब मानते थे वो, असदुद्दीन ओवैसी उनके पैरों की धूल भी नहीं है उन लोगों की। वो आप कह रहे हैं उसको कि अफगानिस्तान तालिबान, अरे भैया कौन सा अफगानिस्तान तालिबान से इनका रिश्ता, झूठ कह रहे हैं। देवबंद के होंगे मगर इस देवबंद जो भारत के है क्या है उनका ताल्लुक?